हे क्लास 11th, तो दिस इज योर एजुकेटर उज्जवला पुंज और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बोथ द बुक्स। आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग जानने वाले हैं। बट बिफोर बिगिनिंग द सेशन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइज दैट बच्चे हमारा जो कोर्स है कॉमर्स का जो कोर्स है 2023-2024 अकेडमिक सेशन का ये कोर्स चालू होने वाला है 10 अप्रैल से। तो इस कोर्स के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स से लेकर मैथ्स से लेकर इंग्लिश से लेकर अकाउंटेंसी से लेकर बिजनेस स्टडीज तक, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स जो कि आपको कॉमर्स में रिक्वायर्ड है। और बच्चे अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये कोर्स है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमर्स की ही क्लासेस नहीं मिलेंगी, वो तो मिलेंगी लेकिन उसी के साथ साथ CUET लेवल क्लासेस भी आपको मिलेंगी जो कि आपको CUET की प्रेपरेशन के लिए चाहिए। तो एक ही कोर्स में दोनों चीजें कवर हो रही हैं। प्लस बच्चों आप लोगों को लास्ट ईयर का जो बिलीवर्स बैच था उसकी भी क्लासेस मिलेंगी, प्लस लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स एंड सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF भी आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही में बहुत ही मतलब ये तो स्पेशल फीचर्स हैं, बट यस देयर इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल बी गेटिंग अलॉन्ग विद इट जो कि बच्चों हमारे इस कोर्स में मौजूद है, जैसे कि हमारे डिटेल में लेक्चर्स सारे के सारे आपको मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड्स जिसपे टीचर्स ने पढ़ाया होगा वो मिलेंगी, वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो एक बार पूरा डिटेल में पढ़ो चैप्टर, फिर उसका वन शॉट लेक्चर भी मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट बच्चे आपको चैप्टर टेस्ट कराए जाएंगे जहां पर आपकी मतलब कितनी रिविजन हुई है, कितनी तैयारी हुई है ये देखा जाएगा, चैप्टर नोट्स आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स को अगर आप लोगों को अवेल करना है तो बच्चे इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 0124715825, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कॉल नहीं करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और बाकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, हमारे पिन कमेंट में भी दे रखी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट। ओके एंड यहाँ पर इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करने वाली हूँ, तो जल्दी से पहले देख लेते हैं हमारा जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसके अंदर PPC और उसकी प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलॉन्ग विद सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें हैं। पूरा इकोनॉमिक्स आपको दिया जा रहा है हमारे बिलीवर्स बैच में। बच्चों एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी और इकोनॉमिक्स मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको उस कोर्स में, दैट इज द थिंग। उसके बाद अगर मैं डिमांड की बात करूँ, डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजंस एक्सेप्शंस जो इस लॉ के होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स जो कि डिमांड को किसी भी चीज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथ ही में नॉर्मल, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम लोग आगे चले तो फिर बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट लाइन और बजट सेट के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में बच्चे फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बाद, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर MR MC अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में सप्लाई की बात कर लेते हैं। सप्लाई के टॉपिक के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई जिसमें रीजंस एक्सेप्शंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ के, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट। देन रेवेन्यू जो है बच्चों, रेवेन्यू के अंदर रिलेशनशिप्स बिटवीन AR MR एंड TR MR, तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिश्ता है और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं तो कॉस्ट। कॉस्ट में रिलेशनशिप्स जो हैं MC AC AVC के बीच में और AC AFC AVC के बीच में, और इनके जो कर्व्स हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रीजंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्केट्स की अगर हम लोग बात करें, मार्केट्स के अंदर इम्प्लीकेशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अभी बच्चों आप लोगों की सिर्फ एक किताब तो नहीं है, एक और किताब है स्टैटिस्टिक्स की, तो जरा स्टैटिस्टिक्स की किताब की भी बात कर लेते हैं। आई नो कि अभी आप लोगों ने ये चैप्टर्स बिल्कुल पढ़ने चालू नहीं करे हैं और ये टॉपिक सुन के आपको लग भी रहा होगा कि यार ये कौन से टॉपिक्स हैं, पर बच्चों आप लोगों ने अभी मतलब रिसेंटली एक अपडेट देखा है एनसीईआरटी की किताबों में कि लास्ट ईयर जितने भी टॉपिक्स थे और चैप्टर्स थे जो डिलीटेड थे वो एनसीईआरटी ने अपनी किताब से भी हटा दिए हैं। और ऐसे सिनेरियो के अंदर अभी हमें पता है कि यार हमें अपनी प्रेपरेशन चालू करनी है। क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है कि बिलीवर बैच पे आपको मिलेंगी सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स उसमें कवर कराए जाएंगे, बट यस मतलब यू शुड नो कि व्हाट ऑल टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। ऑल्दो आई नो कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स इज लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क जो है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में आ जाता है 10वीं के मुकाबले। 10th तक हम बहुत थ्योरेटिकल काम करते थे, अभी बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती है, रियल लाइफ से रिलेटेड हो जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है जिससे फिर हमको कैलकुलेशन करनी होती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट येस मतलब इट्स टोटली डिफरेंट। जैसे आप लोगों को 8th के बाद जब आप 9th में गए थे तो आपको लगा था ना कि बिल्कुल से बदलाव आ गया है, कुछ बहुत ही डिफरेंट हो गया है, तो वैसा ही चेंज हमको जब हम 10th से 11th में आते हैं तो भी दिखता है, क्योंकि एक तो स्ट्रीम्स हमारी आ जाती हैं बच्चों इनटू प्ले। तो एक बिल्कुल नई स्ट्रीम है, उस नई स्ट्रीम को एक नए सिरे से पढ़ना है, प्लस जो सब्जेक्ट्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं वो सब्जेक्ट्स भी एकदम नए से लगने लगते हैं क्योंकि उनमें भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक मतलब इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लोगों को कोई कोचिंग मिलनी ही चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज इट्स वेरी न्यू। तो हर चीज़ को एक नए सिरे से पढ़ना, समझना, उसको रिवाइज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, फॉर अ स्टूडेंट। दैट्स वाई मतलब कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से मैं फिर से बिलीवर बैच की ही बात करूँगी। तो वहाँ पर बच्चों आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी और आपकी रिविजन बहुत अच्छे से करा दी जाएगी और प्राइस भी हमारा काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, तो वो तो आप लोग कांटेक्ट करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। और अभी मैं स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर लेती हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिट 1 हमारा इंट्रोडक्टरी यूनिट है और इस यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूँ बच्चे तो यहाँ पर फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स और साथ ही में इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ अगर मैं नेक्स्ट यूनिट पे चलूँ तो यहाँ पर हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का यूनिट आता है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही में मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लास्ट यूनिट हमारा जो इकोनॉमिक्स में आता है दैट इज ऑन द मीन, मीडियन एंड मोड। आई नो मीन, मीडियन, मोड हम लोग पहले भी मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट बच्चों ये वाला जो एक तरीके से मेरे को जो लगता है कि 11th में जब मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स होती है और जो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इट्स नॉट द सेम थिंग ऑब्वियसली। एक जगह से हम कोई कॉन्सेप्ट समझते तो वो शायद मैथ्स में समझे तो इको में हेल्प करेगा, इको में समझे तो मैथ्स में हेल्प करेगा, बट इट्स स्लाइटली डिफरेंट। सो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड वाली कहानी आती है, को रिलेशन आता है और इंडेक्स नंबर्स, WPI एंड CPI। तो ये वाले टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बता दिए हैं बट हमारी क्लासेस बहुत ही जल्द चालू होने वाली है जहाँ पर हम इन टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बच्चे ये जो क्लासेस है 10 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, हमारे बिलीवर्स बैच 2023 और 2024 की क्लासेस। तो फटाफट से जाइए और जो हमारे नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।